अब आवाज आ रही होगी। सुहेर सलाम अलैकुम जी, प्लीज चेक कर लें कि आवाज आ रही है। सलाम अलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? चलें जी, वेरी गुड जी। वेलकम टू द ओरिएंटेशन। जरा बताएं जी, कहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया है, किस सिटी से आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है? चलें जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। और ये भी बता दें कि आप में से कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कैफ फर्स्ट टाइम पढ़े हैं या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। कैफ फर्स्ट टाइम का मतलब ये है कि आपने अभी इससे पहले कैफ का कोई पेपर नहीं दिया हुआ, या पीआरसी दिया है या एएफसी दिया है। तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट लिख दें और एग्जिस्टिंग के लिए एग्जिस्टिंग लिख दें। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो एग्जिस्टिंग है, और ई लिख दें या एफ लिख दें वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चलें जी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एग्जिस्टिंग। और ये भी लिख दें कि आपने अभी पिछली अटेम्प्ट जो भी कंप्लीट हुई है सितंबर के अंदर, कौन से पेपर्स दिए हैं, ये भी जरा बता दें। वन टू थ्री फोर, वन टू फोर, सी लॉ, बी लॉ। ठीक है जी, ठीक है जी, एक्सलेंट। और जरा ये भी बता दें कि अब आप कौन से पेपर्स पढ़ने जा रहे हैं, विच पेपर्स हैव यू एनरोल्ड फॉर इन दिस सेशन। चलें जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी, वेलकम टू दी ओरिएंटेशन। हम थोड़ा सा कैफ के पेपर्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और ऑनलाइन में हमने पढ़ना कैसे है, ऑनलाइन में पढ़ने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, हमने उसको भी डिस्कस करना है। तो मेरा नाम जी तलहा अहमद है, जरा मैं एक अपना इंट्रोडक्शन भी करा दूं। मेरा नाम जी तलहा अहमद है। आई एम डायरेक्टर एट पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज जरा हम थोड़ा सा कैफ के पेपर्स को डिस्कस करेंगे, और साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने जी ऑनलाइन स्टडीज में एंड कैफ में जनरली सक्सेसफुल होने के लिए हमने क्या करना है। तो सबसे पहले जी हम जरा ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए में हमारे पास FAR 1 है, सीमैक है, बिजनेस लॉ है और टैक्स है। और ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में हमारे पास क्या है जी, FAR 2, MFA, सी लॉ एंड ऑडिट। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंट्रो अकाउंटिंग अभी तक नहीं पढ़ी, वो एक और FAR 1 पढ़ने जा रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंट्रो अकाउंटिंग अभी तक नहीं पढ़ी, या AFC से उनका एग्जेम्पशन थी या वो पेपर नहीं हुआ, वो ट्रांजिशन के अंदर हुआ? तो हमारे पास आई थिंक 2-3 स्टूडेंट्स हैं। ये जो सबसे पहला पेपर है FAR 1 का, इसका स्ट्रेट अवे प्री रिक्विजिट है कि आपने जी इंट्रो अकाउंटिंग पढ़ी होनी चाहिए, किसी किस्म की इंट्रो अकाउंटिंग पढ़ी होनी चाहिए। हाँ जी, पढ़ी होनी चाहिए, चाहे पेपर पास है या नहीं है दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन यू शुड हैव स्टडीड इंट्रो अकाउंटिंग। FAR 1 जो है ये इंट्रो अकाउंटिंग का बड़ा भाई है, और आगे FAR 1 के भी बहुत बड़े भाई हैं, और फिर यानी कि CFAB में जो बड़े भाई से भी ऊपर रिश्ता होता है वो भी एक पेपर आता है, लेकिन इंट्रो अकाउंटिंग का जो बड़ा भाई है वो FAR 1 है। एंड इसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपने जी इंट्रो अकाउंटिंग पढ़ी हुई हो। जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रो अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, वो इस ओरिएंटेशन के बाद पैक कोऑर्डिनेटर्स को कांटेक्ट करके, हमने एक शॉर्ट कोर्स बनाया हुआ है, क्रैश कोर्स अराउंड 30 आवर्स का, उसको आप अवेल करके अपनी FAR 1 की बेस बना सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंट्रो अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई, या जो स्टूडेंट्स रिवाइज भी करना चाहते हैं,
ये जो स्टूडेंट्स रिवाइज करना चाहते हैं वो भी इंट्रो अकाउंटिंग का क्रैश कोर्स लेके अपनी रिवीजन कर सकते हैं। नहीं जी, उसकी कोई फी नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है जी। आप उसको जरा ले लें, उसकी खाली कंडीशन एक ये है कि आपने उसको एफ आर वन की क्लास ज्वाइन करने से पहले उसको कम से कम 15 to 20 आवर्स उसके जरूर कवर कर लें, 15 to 20 आवर्स उसके कवर कर लें, ठीक है जी। तो आपने इंट्रो अकाउंटिंग में देखा होगा कि इंट्रो अकाउंटिंग में कई स्टैंडर्ड आते थे, आना स्टार्ट हुए, IAS 2। किसी को याद है ये IAS 2 कौन सा स्टैंडर्ड होता था? इन्वेंट्री का, इसी तरह IAS 16 का आया, वो भी आपको याद होगा। FAR 1 में अब हम थोड़ी स्टैंडर्ड को ज्यादा इन डेप्थ और ज्यादा स्टैंडर्ड को हम देखना स्टार्ट कर लेंगे। FAR 1 का जो पेपर है वो जो IFRS के स्टैंडर्ड हैं ये उनको एक्सप्लोर करेगा, एंड रफली ये जो पेपर है अराउंड अबाउट 120 आवर्स का ये पेपर है, ठीक है जी। इट्स अ कंपैरेटिवली लेंथी पेपर, लेकिन इंट्रो अकाउंटिंग भी 100 to 110 आवर्स का था, तो ये इंट्रो अकाउंटिंग से थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर है जी हमारा CMAC का। CMAC stands for Cost and Management Accounting. CMAC पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने FAR 1 पढ़ा हो, लेकिन CMAC पढ़ने के लिए इंट्रो अकाउंटिंग की नॉलेज जरूरी है। तो किसी को कोई आइडिया है कि CMAC और FAR 1 में क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिफरेंस हैं? CMAC किस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और FAR 1 किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? हमने जी अकाउंटिंग जब करनी हो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, को रिपोर्ट करना है, ठीक है जी, वो FAR 1 है। लेकिन CMAC स्टैंड फ्रॉम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिल्कुल जी सही मोहसिन ने और तलहा ने बोला है कि जी एक तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट में अगर इंटरनल अकाउंट देखें जी, एक तो वो अकाउंटिंग है जो आपने अगर आपने इंट्रो अकाउंटिंग में पढ़ा हो कि शेयर होल्डर को दिखानी है, पब्लिक को दिखानी है, लेकिन काफी ज्यादा अकाउंटिंग है, काफी ज्यादा हिसाब किताब है जो आपने इंटरनली देखने होते हैं कि हाँ जी भाई मेरी इस कमरे में बिजली कितनी लग रही है, इस फैक्ट्री में कितनी कॉस्ट आ रही है, इस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, इंटरनल जो कॉस्टिंग है। और काफी इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बड़ी लॉजिक पे बेस करता है, बड़े लॉजिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स इसके अंदर आते हैं, है ये भी ऑलमोस्ट 100% न्यूमेरिकल, ठीक है जी, है ये भी 100% न्यूमेरिकल, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन इंटरनल मैनेजमेंट एंड इंटरनल अकाउंटिंग। CMAC का जो पेपर है दिस इज रफली 110 आवर्स। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट पेपर है दैट इज बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और किसी और ने जी कोई पढ़ा हुआ बिजनेस लॉ में और क्या आता है? बिजनेस लॉ में और क्या हमारे पास चीजें आती हैं? किसी स्टूडेंट ने अभी बिजनेस लॉ ताजा ताजा दिया हो? पार्टनरशिप आता है, मनी लॉन्ड्रिंग आया जी, मनी लॉन्ड्रिंग आया, मनी लॉन्ड्रिंग भी आता है। ये जी बिजनेस लॉ में हमारे पास डिफरेंट किस्म के लॉज हैं, एंड है तो ये एक थ्योरी पेपर, लेकिन थ्योरी पेपर जो है ICAP के, थोड़ी सी जो थ्योरी पेपर्स हैं ICAP ने थ्योरी पेपर्स अपने पिछले 2-3 साल में थोड़े चेंज किए हैं। कुछ आप बता सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि इस तरह के थ्योरी पेपर्स में क्या रीसेंट चेंजेस आए होंगे? जो थ्योरी पेपर्स हैं व्हाट इज द रीसेंट चेंजेस द थ्योरी पेपर्स? वेरी गुड जी उस्मान, सलमान एंड सरेश, थैंक यू। के जो चेंजेस आए हैं पिछले 2-3 साल में, आप लोग पास्ट पेपर्स भी करेंगे, हाँ जी, एक तो सिलेबस चेंजेस हैं कि जी उन्होंने इलेक्ट्रिक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह कर दी है, फिर वो बी लॉ और सी लॉ को भी चेंज कर दिया है, लेकिन द चेंज जो मैं आपकी जरा अटेंशन को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जी ये सिनेरियो बेस और केस स्टडी पे आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इनको जहाँ पे मेमोराइजेशन की जरूरत है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें मेमोराइज करना पड़ता है, सारी पढ़ाइयों में करना पड़ता है। इंट्रो अकाउंटिंग में अगर आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट मेमोराइज नहीं करेंगे नहीं होगा,
आप फॉर्मेट को मेमोराइज करेंगे आप नहीं कर सकते, डीआरएस में मेमोराइज नहीं करेंगे कि जी बैंक डीआरएस का क्या फॉर्मेट है, कैश बुक का क्या है, तो वो नहीं कर सकते आप। इसी तरह सम मेमोरी इज नेसेसरी इन बिजनेस लॉ एज वेल, लेकिन अब हमने साथ साथ इसको पढ़ते हुए और इसको अंडरस्टैंड करते हुए हमने जी आवाज आ रही है, हमने ये भी देखना है कि साथ साथ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस आहिस्ता आहिस्ता सिनेरियो बेस पे जा रहे हैं। तो जो हमारा बिजनेस लॉ है दिस विल बी रफली 75 to 80 आवर्स का सब्जेक्ट है। ये थ्योरी, प्योर थ्योरी, बट दिस विल बी बिकमिंग मोर एंड मोर केस स्टडी बेस। अच्छा जी, फिर जी पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट टॉपिक एक अराउंड टैक्स, ठीक है जी। दिस विल बी योर फर्स्ट एक्सपोजर टू टैक्स, और टैक्स के अंदर जी दो मेन किस्म के टैक्स हैं जिसको हम देखने होंगे, एक कि इनकम के ऊपर कैसे टैक्स लगता है और दूसरा सेल्स के ऊपर कैसे टैक्स लगता है। टैक्स एक इंटरेस्टिंग पेपर इस तरह है कि टैक्स एक ऐसा पेपर है जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ मिक्स बिटवीन थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल अराउंड 60% है एंड थ्योरी अराउंड 40% है। जिन्होंने रिसेंटली टैक्स ली है वो इससे एग्री करते हैं, ये रेशो रिसेंटली चेंज हुई है। टैक्स में न्यूमेरिकल अराउंड 50 to 60% है और थ्योरी बाकी है। तो ये एक इस तरह का पेपर है जहां पे आपके पास न्यूमेरिकल भी आएगा और थ्रेटिकल भी आएगा, ठीक है जी। अब उधर बिजनेस लॉ में जो चेंजिंग आई है वो इस दफा नहीं आई, वो एक दो सेशन पहले आई है जब ये स्कीम चेंज हुई है, ठीक है। ये जी हमारे ग्रुप ए के पेपर्स हैं एंड टैक्स भी जो है रफली जो है अराउंड 100 hours का आएगा, ठीक है जी। इसी तरह जी ग्रुप बी को देख लें। ग्रुप बी में हम FAR 2 पे आते हैं। FAR 2 इज रफली 125 hours एंड ये जी इंट्रो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा भाई है और FAR 1 का भी बड़ा भाई है। जो FAR 1 में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जो हमने जी आवाज जी जी हाँ जी आ रही है, ठीक है जी, ठीक है जी, जो हमने स्टैंडर्ड्स पढ़े, जो हमने ये सारी चीजें पढ़ी, तो FAR 2 के अंदर भी हमारे पास अब स्टैंडर्ड IFRS इसकी डिफिकल्टी लेवल जो है थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज होगी फ्रॉम FAR 1। नए टॉपिक्स होंगे, नए स्टैंडर्ड्स होंगे और बेसिकली ये IFRS की कॉन्टिन्यूशन है, पूरा ही पूरे का न्यूमेरिकल पेपर है, ठीक है। MFA इज ए रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड पेपर, ठीक है। MFA के अंदर दो हिस्से हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड है। कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा ऐसा पेपर है जो कि आज से साल दो साल पहले होता था और उसकी अभी तक हमें शायद याद भी आती हो कुछ स्टूडेंट्स को, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक जी इसके अंदर मैनेजमेंट का हिस्सा है, बिजनेस मैनेजमेंट, और दूसरा जी क्या है, दूसरा एक ऐसी चीज है जो कि फेयरली न्यू है, इट इज नॉट सीमैक, इट इज फाइनेंस। ये जी फाइनेंस की कुछ स्टडीज हैं, बिजनेस फाइनेंस की कुछ स्टडीज हैं जो कि पहले कैप में नहीं होती थी। पहले कैप में हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जरूर पढ़ते थे, लेकिन फाइनेंस हम बहुत कम पढ़ते थे, हम सही तरह नहीं पढ़ते थे। तो MFA एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसके टीचर्स माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं पैक के, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट को और बिजनेस फाइनेंस को कंबाइन करके चलता है। ये जो बिजनेस फाइनेंस है इसको आप एक CFAP सब्जेक्ट का ट्रेलर समझ सकते हैं। ये जी BFD का छोटा भाई है, BFD का ट्रेलर है। तो एक किस्म से ICAP ने एक अच्छी इसमें चेंज की है कि जहां पे जाके पहले CFAP लेवल में हम BFD बिल्कुल ही शुरू से पढ़ते थे विदाउट एनी एक्सपोजर इन BFD,
हमें थोड़ी सी डीएफडी की इंफॉर्मेशन अभी शुरू से मिलना स्टार्ट हो गई है। तो एमएफएमएजी हमारे पास दो एरियाज हैं, थोड़ा सा इसके अंदर स्टैट्स भी आएगा, स्टैट्स रिलेटेड टू फाइनेंस डिसीजन, लेकिन पहला एरिया है बिजनेस फाइनेंस का और दूसरा एरिया है बिजनेस मैनेजमेंट का। ये दोनों एरियाज रफली जो हैं 50-60 आवर्स लेते हैं और ये जो टोटल सब्जेक्ट है ये अराउंड 100 आवर्स का होगा, ठीक है जी। फिर जी हम सीलॉ की बात करते हैं। सीलॉ इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर एंड सीलॉ जो हमारा कंपनी लॉ है ये बड़ा एक प्रोसीजरल पेपर है। इसके अंदर आपको प्रोसीजर बताया जाएगा, कंपनी बनाने का प्रोसीजर, डायरेक्टर अपॉइंट करने का प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्ट करने का प्रोसीजर, आपने कहीं लिस्टिंग करनी हो, कहीं से आपने कोई फॉर एग्जांपल मीटिंग अरेंज करनी हो, ऑडिटर को अपॉइंट करना हो, ये प्रोसीजर वाला पेपर है, ठीक है। इसके अंदर आपको हो तो सकता है कि क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड है लेकिन द आंसर बोर्ड मीटिंग्स आपने करनी हो, लेकिन जो इसके आंसर होंगे वो प्रोसीजर पे डिफाइंड होंगे। तो होगा ये कि जी हाँ जी टू अटेंड द मीटिंग आपने ये प्रोसीजर फॉलो करने हैं, डायरेक्टर के लिए आप इतनी देर पहले नोटिस दें, इसके बाद फिर आप ये करें, उसके बाद आप ये करें, तो ये एक प्रोसीजर का हमारा पेपर होगा। तो इसको देखने के लिए, इसको पढ़ने के लिए रफली जो है हमारे पास राउंड अबाउट 70-80 आवर्स होंगे एंड लास्ट पेपर इज ऑडिट अराउंड 85 आवर्स, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट एक्सपोजर दैट वी हैव टू ऑडिट एंड ऑडिट जी एक ऐसा पेपर है जो कि हम बिल्कुल एंड पे पढ़ते हैं। मैं जी क्वेश्चन थोड़ी देर में आंसर करता हूँ आपके आंसर, ठीक है जी, थोड़ी देर में आपके क्वेश्चन आंसर करता हूँ। और ये इसके अंदर ये होगा कि जो ऑडिटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हम उसको पढ़े होंगे, ये भी एक थ्योरी का पेपर है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रुप ए के अंदर काफ़ी ऐसे पेपर हैं जो कि थोड़े से हैवी हैं, तीन पेपर हैं जो 100+ आवर्स हैं, लेकिन ग्रुप बी में डिफिकल्टी लेवल तो ज़्यादा है लेकिन स्टडी टाइम कुछ पेपर्स का, स्पेशली ये जो हमारे थ्योरी के पेपर्स हैं, इनका लो है, ठीक है जी। MFA जो है, MFA इज अ 50% न्यूमेरिकल या 60% न्यूमेरिकल एंड 30-40% थ्योरेटिकल पेपर, ठीक है सौरभ। दानिश आप रिकॉर्डिंग देखें, ठीक है जी, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आपको उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। अच्छा जी, अब जी जरा कॉम्बिनेशन इसके डिस्कस कर लें। कैप के अंदर जी प्राइमरीली जी दो किस्म के कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। पहली जी ऑप्शन वन कॉम्बिनेशन ये है कि आप 4 पेपर्स पढ़ें मार्च 23 के लिए और सितंबर 23 के लिए 4 पेपर्स करें, लेकिन इसके साथ आप लोगों ने ये भी ख्याल रखना है कि इन सारी चीजों के साथ क्या आपके पास कोई और रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट कैप, क्या कैफ इन 8 पेपर्स पे हो जाएगा या कोई और रिक्वायरमेंट भी है। हमने जी 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज भी करने हैं विच इज PPE प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। अभी ICAP ने इनकी कंप्लीट डिटेल्स अनाउंस करनी है लेकिन आई थिंक जी हमें अभी इस सेशन के अंदर इसको ये लॉन्च हो जाएंगे, मे बी 2-3 एक आधे हफ्ते के अंदर हो जाएंगे। फिनटेक जी सीपैक में है, कैश के अंदर तो एमएस ऑफिस और पीपीई है। तो हमने जी इन सारे पेपर्स के साथ करना है, ये ड्यूरिंग कैश करना है एंड अभी तक अहमद ये फिजिकल ही है, ये शायद ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है जी। ठीक है जी, जो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक चेंजेस प्लस सिलेबस चेंजेस प्लस बुक्स के बारे में, वो आपके आपके टीचर्स आपको कल से उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहेंगे, कर देंगे आपको उसके बारे में कल से इन्फॉर्म, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक चेंजेस हम वहाँ से कवर करेंगे, ठीक है जी।
ऐसा इसका कोई एग्जाम नहीं है, इसकी असेसमेंट होती है, लेकिन अभी जी पैक में ये तभी स्टार्ट होगा जब आईकैप इसको अनाउंस करेगा पीपी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। अभी इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आनी है, अभी तक इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई नहीं है। आईकैप वाले वी होप के विद इन अ फ्यू डेज इसकी फुल इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दें, उससे क्लियर हो जाएगा कि जी कितने आवर्स हैं, कितनी असेसमेंट है, कितनी जी कितने आवर्स हैं, असेसमेंट कैसे होगी, प्लस इसके अंदर इसकी जो सिलेबस कंटेंट्स भी होगा। ठीक है जी, ऑनलाइन अभी तक ये प्रॉब्ली नहीं है, ये शायद फिजिकल ही है। जैसे पहले पीसीएससी होता था, अगर आपने किसी ने जानते हो तो पीसीएससी भी पहले हमारा फिजिकल ही होता था, आईकैप की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये जी हम या पैक के अलावा कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप पैक से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट फिजिकल सेंटर में जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, पैक में भी आगे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अगर आईकैप इसको ऑनलाइन करने की इजाजत देता है तो फिर हम इसको जरूर देख लेते हैं। ठीक है जी, ये जिन्होंने एएफसी में आईटी पढ़ा है, हमारी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर होंगी, वो आपको चेक करके बता देंगी। तो हमारे साथ जी कौन अवेलेबल है, अगर हमारे ये जी उमेर अथर हैं, इनका प्लीज जरा मैसेज देख लें और इनको जरा रिस्पॉन्ड कर दें, तो उमेर आपको हम चेक करके बता देंगे इसका क्या है। ठीक है जी, रफली जी एक्सपेक्टेड है कि ये कोई अराउंड 100 आवर्स के आसपास पर कोर्स हो सकता है। तो जी एक आपको पीपी एक अटेम्प्ट में करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दूसरे अटेम्प्ट में करना पड़ेगा, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस अटेम्प्ट में कर लेंगे और पीपी इस अटेम्प्ट में कर लेंगे। ठीक है जी, पीसीएसई जो किया हुआ है इनको पीपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हसान साहब है यहाँ पे, आप इनको अपनी जरा डिटेल मैसेज कर दें, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके फिर बता देंगे इसके बारे में। ठीक है जी, जिनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, मेरे ख्याल में आईकैप ने तो ये कहा है कि अगर आपकी मार्च 23 तक क्वालिफाइंग अटेम्प्ट अगर आप कर लेते हैं एंड आप फर्म ज्वाइन करते हैं तो शायद आपको ये एग्जेम्प्ट है। तो एक आईकैप ने एक डेडलाइन दी हुई है, बिफोर विच यू ज्वाइन द फर्म तो आपको ये कोर्सेज एग्जेम्प्ट है। तो आप रूबा को उस एंगल से जरूर देख लें। फेब्रुअरी 23 इज द ज्वाइनिंग अटेम्प्ट। पीपीजी कोर्स है जो कैफ के स्टूडेंट्स को करना है। ठीक है जी, अच्छा जी कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे, पहली जी ये ऑप्शन है 4 and 4, दूसरी ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 3 papers इन मार्च 23, 3 papers इन सितंबर 23 एंड 2 papers इन मार्च 24। तो जी स्टूडेंट्स कभी कभी डिस्कस करते हैं कि जी हमें कैसे करना चाहिए इसको, तो इसकी जी पॉसिबल हम जरा सॉल्यूशंस देख लें। हम ये कहते हैं कि आप पहली अटेम्प्ट में FAR 1 जरूर लें, बिजनेस लॉ जरूर लें ताकि एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल बैलेंस हो जाए, एंड जो तीसरा पेपर है आप टैक्स या सीमैक ले सकते हैं। ठीक है जी, सितंबर 23 अगली अटेम्प्ट में आप FAR 2 जरूर लें। ठीक है जी, आप जी इसके साथ सीलॉ ले लें और टैक्स और सीमैक में जो बच गया हो, लेट से जी आपका अगर सीमैक बच गया है तो आप सीमैक ले लें, एंड आखिरी अटेम्प्ट में आपके पास ऑडिट और MFA का ऑप्शन होगा। तो उसका बस ये फायदा होता है कि आपके पास एक थ्रेटिकल और एक सेमी थ्रेटिकल पेपर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी एक अच्छा बैलेंस आपका बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, एक ये ऑप्शन है। ठीक है जी, पहले आईकैप ने ग्रुप रिस्ट्रिक्शन, पहले आईकैप ने पेपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि आपने मिनिमम जो है 3 papers अटेम्प्ट करने हैं, आईकैप ने ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी हुई है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है जी, दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि ग्रुप बी में जाने के लिए आपने ग्रुप ए के कितने पेपर पास किए हों जी, कम से कम जी 2 papers पास किए हों तो फिर आप ग्रुप बी के पेपर में अटेम्प्ट हो सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन अभी तक वैलिड है। ठीक है जी, तो 3 papers वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यू नीड टू हैव पास 2 papers ऑफ ग्रुप ए टू टू स्टडी इन ग्रुप बी।
जी जिन्होंने दो अटेम्प्ट में करना है उनको अब करना पड़ेगा जी, हैंडल तो करना पड़ेगा कि आप ये फोर फोर आवर्स पढ़ रहे हैं और आपको फिफ्थ आवर लगा के इसको कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो होपफुली होपफुली जी जब इसकी कोर्स की डिटेल्स आती हैं तो इसके अंदर यही होगा कि क्लासरूम एक्टिविटी होगा और ये क्लासरूम एक्टिविटी के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है जी, तो अब उसे जारी में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अब आपने एक एम्बिशियस प्लान बनाया हुआ है कि जी मैंने टू अटेम्प्ट के अंदर कंप्लीट करना है, तो फिर यू नो यू विल हैव टू डू दिस। जी मैं बताता हूँ जी, ओल्ड स्टूडेंट के अगर दो पेपर पास हो गए ना ग्रुप ए के, तो फिर वो बी से उठा सकते हैं। सर इफ दिस इज क्वालिफाइंग थ्री आर लेफ्ट फ्रॉम ग्रुप ए वी कांट वी के जी देखिए वो आगे, ये तो मेरी रिकमेंडेशंस हैं खाली कॉम्बिनेशंस की, आगे जो आपको कॉम्बिनेशन सूट करता है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, पीपी और एक्सेल की जी इंफॉर्मेशन आने दें, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, अभी इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। मैं जी बस एक ये बात करना चाहता हूँ इसके अंदर कि आपकी क्लासेस जी ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लासेस जी आर दे गुड ऑप्शन और बैड ऑप्शन आप लोग ले रहे हैं, तो मैंने कहा मैं जरा डिस्कस कर दूं ना, आप तो अपने पढ़ने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं जरा ये भी पूछ लूं कि ये अच्छी ऑप्शन है कि बुरी ऑप्शन है, इज इट गुड ऑप्शन और इज इट बैड ऑप्शन। अब तो ले लिया, लेकिन मैंने कहा जी मैं डिस्कस कर लेता हूँ जी, फिर भी मैंने जरा डिस्कस करना है। ठीक है जी, इसका आंसर जी लाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ इज इट, इसका आंसर है कि जी गुड या बैड इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। सोशल मीडिया गुड है कि बैड है, इंटरनेट गुड है कि बैड है, गाड़ियां गुड है कि बैड हैं, सारी ये चीजें डिपेंड करता है ऑन हाउ यू यूज इट। ठीक है जी, इसके ऑप्शंस बहुत इसके पॉजिटिव हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं कि जी हाँ जी टाइम सेव होता है आपके पास, अगर आप लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आप जो हैं बेस्ट फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइक अ नॉर्मल क्लास। ठीक है जी, आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कॉस्ट सेव होती है आपके पास इसके अंदर, और जी इसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी लाइव क्लासेस के आपको मिल जाते हैं, रिकॉर्डिंग के तो मिलते ही मिलते हैं, लाइव के भी मिल जाते हैं। ठीक है जी, ये आपका मैं अभी आपको आंसर करता हूँ, ये जो 0137 है ना इनको मैं अभी थोड़ी देर में आंसर करता हूँ, बल्कि आप ये हसान साहब हैं इनको ये मैसेज अपना कर रहे हैं, वो इसको चेक करके आपको बता देंगे इस पे आईकेप की गाइडेंस क्या कहती है। ठीक है जी, तो जी और क्या इसके फायदे हैं ऑनलाइन के जी, बेस्ट फैकल्टी, ठीक है, बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट, बेस्ट फैकल्टी ऑफ पैक आपके पास, लाइव भी अवेलेबल है आपके पास, रिकॉर्डिंग के थ्रू भी अवेलेबल है, कॉस्ट भी सेव हो रही है, सारी इसकी है जी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है, लेकिन जी इस सारी चीज को हमने कभी बैड में कन्वर्ट नहीं होने देना। क्या ये बैड में कन्वर्ट हो सकता है, क्या ये बैड में कन्वर्ट हो सकती है ऑप्शन? ये जी बड़ा रिस्की है कि हम इसको समझ लें कि ये हमारी क्लास या सब्जेक्ट नहीं है, हम ये समझ लें यार अच्छा रिकॉर्डिंग जो है वो तो अर्तगुल की भी आई थी, वो तो मनी हाइस्ट की भी आई थी, तो इसकी भी रिकॉर्डिंग है, तो ऐसा क्यों ना करें कि यार एक दिन सैटरडे संडे को बैठ के सारे का सारा, जैसे हमने अर्तुगुल 3 दिन में खत्म किया था, हमने मनी हाइस्ट तो माशाल्लाह से एक दिन नहीं खत्म कर दिया था, वो नेटफ्लिक्स वाला भी परेशान हो गया था कि यार ये कितना देख रहे हैं, तो हम इसको भी इस तरह खत्म कर सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल जी, ये यहाँ पे कैप हाइस्ट और स्क्विड गेम ये यहाँ पे नहीं चल सकती, यहाँ पे खाली आई कैप की गेम चलेगी और यहाँ पे कैप के सब्जेक्ट्स और पैक की गेम चलेगी, यहाँ पे और कोई गेम नहीं चल सकती। बिकॉज द प्रॉब्लम इज ये जी, इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक तो नहीं है, लेकिन इसका मैं कहता हूं कि आप लोगों को आज सेल्फ अवेयर होना पड़ता है। आप लोगों को सिंपल सी मैं बात बताता हूँ जी, हमने ये देखा है, हमारा ये एनालिसिस है कि जी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं इनमें से 50% ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एंड एंड पे जाके दे आर 3 वीक्स बिहाइंड कोर्स। ठीक है, पैक की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली मार्केट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में देखा होगा, लोग लोग ये कहते होंगे कि जी
कोई हमें 10 दिन में कोर्स करा दे, कोई हमें 15 दिन में कोर्स करा दे, अगर ये पॉसिबल होता तो फिर जाहिर ही पता है सारे टीचर्स आपको 10 दिन 15 दिन में कराते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन आपने जी इस चीज से अवेयर रहना है कि ये जो स्टैट है ना कि जी 50% लोग एंड पे जाके जब कोर्स एंड होना होता है, कोर्स ने जी कब एंड होना है, कोर्स ने 31st जनवरी 2nd, 3rd फरवरी तक एंड हो जाना है, तो लोग 3 हफ्ते जो हैं वो उससे बिहाइंड होते हैं अपनी कोर्स से। 31st जनवरी को लोग एंड कर रहे होते हैं कोर्सेज, उन्होंने अभी तक 1st जनवरी को अपने क्लासेस स्टार्ट नहीं की होती। Is this a good situation to be in? It doesn't matter if it is a good situation or not. Is this a situation in which passing is easy or difficult? ये हमने जरा अपने आप से पूछना है। Do you think it's easy to pass or we make it difficult on ourselves? बहुत ही convenience है, बहुत फायदा है, लेकिन अगर हम इस situation में आते हैं, अच्छा यार ये lecture है, recording पड़ी हुई है, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, अच्छा यार Saturday को मैं फारिग हूँ, मैं 4 घंटे देख लूंगा, लेकिन जी ये कोई दिस इज नॉट समथिंग लाइक अ टीवी शो या कोई चीज जिसको आप 4 घंटे साथ दे सकते हैं, बल्कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी 4-5 घंटे मूवीज देख के थक जाते हैं। अगर हम इवन के 2 डेज मिस करें अपनी रिकॉर्डिंग को, 2 डेज मिस करें, हमें कितने आवर्स की कैचअप करनी पड़ेगी? आप लोग नंबर ऑफ आवर्स बता दें बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट। अगर हम 2 दिन मिस करते हैं तो हमें कितने डेज को मेकअप करना पड़ेगा, कितने आवर्स को मेकअप करना पड़ेगा? 3 आवर्स को, 4 आवर्स को, 6 आवर्स को, कितने आवर्स को मेकअप करना पड़ेगा? आप लोग खुद अपने जरा को देख के बताएं, ठीक है जी? यानी कि जी 2 डेज में 7-8 आवर्स मिनिमम हमें, क्या 7-8 आवर्स हम 1-2 दिन के अंदर कर सकते हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट। और ये खाली अभी 2 दिन है, कुछ लोग होते हैं वो 5-6 दिन पीछे हैं। ये कोर्सेज CA के कैफ के दे आर नॉट मेड के जी आप इनको, जो इनका अलॉटेड टाइम है कि जी 31st जनवरी को खत्म होना है, ये इस टाइम पे खत्म होगा और फरवरी में फिर क्या करेंगे जी? फरवरी में रिलैक्स करेंगे? नहीं जी, फरवरी का द होल मंथ इज मेंट फॉर रिविजन, इट इज वेरी मच नीडेड। इस रिविजन के बगैर हम नहीं पास कर सकते। अगर हम फरवरी के अंदर जनवरी का कोर्स एंड दिसंबर का कोर्स कंप्लीट करें हो, आई एम सॉरी, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू पास। तो आप जी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, यू आर वेरी वैल्यूएबल टू अस, यू आर वेरी प्रेशियस टू अस। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सारी चीजों को पास करें, तो इसलिए आपके टीचर्स भी इंकरेज करेंगे, हम भी इंकरेज करेंगे आपको सबको कि जी प्लीज इन चीजों को साथ साथ आप कवर करें, चाहे रिकॉर्डेड है चाहे लाइव है। लाइव के अंदर तो बच्चे आते ही रेगुलर हैं, टीचर से अपना उसी वक्त वहां पे रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग भी ले रहे हैं, आपने इसको एज अ लाइव क्लास ही ट्रीट करके इसको करना है, ठीक है? हमारी कोशिश ये होगी कि हम एंड जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है जी? क्लासेस जी इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी कल से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं, आप लोगों का टाइम टेबल आपके सामने है। FAR 1 की क्लास हाफिज ताहिर साहब पढ़ा रहे हैं। हाफिज साहब जी हमारे बड़े सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के टीचर हैं। इन्होंने इनके SOL के स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी लिए हुए हैं, बल्कि मीरपुर का बच्चा था उसने लिए थे। ही विल बी टीचिंग 10-11:15। CMAC जो है दैट इज 11:15-12:15 मिस हमारा। बिजनेस लॉ जी है 9-10 और टैक्स जो है वो रमीज आफ्ते साहब पढ़ा रहे हैं 5:15-6:15, ठीक है जी? पोर्टल आपका जी, हाँ जी बताएं, हैं हमारे साथ हसाम या अरूज के, ये पूछ रहे हैं कि जी पोर्टल और व्हाट्सएप ग्रुप का क्या होगा जी? जी जी बताएं जी हसाम और, हाँ जी, एक तो पोर्टल के लिए स्पैम जरूर चेक कर लें जी। मैं बताता हूँ जी, मैं कॉस्ट वाली मैं वो बाकी बता देता हूँ जी, बाकी मैं एक दिन बताता हूँ जी। ये तो लाइव क्लासेस है ना, जी जो बाकी टीचर्स का पूछ रहे हैं आप लोग एक सेकंड वेट करें, मैं आपको बता देता हूँ।
प्लीज इसके अंदर हसाम अगर आप अपडेट कर दें कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट से फ्राइडे तक एडमिशन लिया है उनको आपका व्हाट्सएप ग्रुप और उन चीजों में कब आप ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ईमेल्स होगी नहीं है, आई थिंक मिस हमदा ये कह रही है कि ईमेल्स होगी नहीं है और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हमने कब तक ऐड करना है, आई थिंक बच्चे ये पूछ रहे हैं। एलएमएस के लिए आप प्लीज अपना वो चेक कर लें जी, स्पैम चेक कर लें एक दफा, अगर स्पैम में नहीं है तो फिर आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन को पूरा कर लें। ठीक है जी, बाकी जी ग्रुप बी की क्लासेस 8-9 पे सीलो है, एमएफए 6:15-7:15 है, ऑडिट 11:15-12:15 एंड एफएआर 2 12:30-1:45 है। ठीक है जी, जूम क्रेडेंशियल्स आपके कल से काम करेंगे जी, ठीक है, जब आप क्लास में लॉगिन करेंगे इंशाल्लाह दे शुड बी वर्किंग जी। 0137 मैंने आपसे कहा आप एक सेकंड वेट करें जी, हम करते हैं। ठीक है जी, अगर आपके पास लॉगिन डिटेल्स नहीं है तो प्लीज कुछ हमदा और फरा इनको बता दें कि ये लोग क्या करें जी जिनके पास लॉगिन डिटेल्स नहीं आ रहे। जी जी, अब प्लीज मेरी बात सुन लें, ये जी हैं लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस। ठीक है जी, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग में एनरोल किया है तो रिकॉर्डिंग के लिए तो कोई क्लास टाइमिंग तो नहीं है। ठीक है जी, क्लास टाइमिंग तो ऐसे कोई नहीं है ना जी, रिकॉर्डिंग जैसे आप लोग जो टीचर्स का बता रहे हैं उस समय क्लास टाइमिंग कोई नहीं है। रिकॉर्डिंग वालों के लिए एक तो आपको LMS लॉगिन मिलेगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें कल 3 PM तक हो जाएंगी अगर आपने एडमिशन अपना सैटरडे तक कराया हुआ है। अगर जारी बात है आपने आज या कल कराया है तो इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लें। ठीक है जी, और जी आपको आपके पोर्टल में रिकॉर्डिंग जो है वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, आज ट्यूजडे है ना, तो थर्सडे ऑनवर्ड्स, थर्सडे लेट से 2 PM ऑनवर्ड आपको रिकॉर्डिंग नजर आना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद डेली बेसिस पे अपडेट होगी। ठीक है जी, ये जी जिन आपने रिकॉर्डिंग में जहां भी एनरोल कराया है थर्सडे 2 PM ऑनवर्ड हो जाएगी। ये जी डिफरेंट डेज हैं MFA में ना, मंडे टू वेंसडे श्वेता पढ़ा रहे हैं और थर्सडे टू सैटरडे सेम टाइम पे वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जी रिकॉर्डिंग वालों के टेस्ट वैसे ही होंगे जैसे बाकी क्लास के हो रहे हैं, आप अपने टीचर से उसको डिस्कस कर सकते हैं। जी जी, आपके टीचर भी होंगे उसके अंदर समर। डेली अपलोड होने की जो टाइमिंग आपके साथ कंफर्म कर लेते हैं, अभी एक दफा जरा ये स्टार्ट हो जाए फिर हम आपको कंफर्म कर देंगे क्या होगा, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जब क्लास कंडक्ट होती है उसके विद इन हम 40 आवर्स के अंदर उसको अपडेट कर देते हैं, 1.5 डे के अंदर उसको कर लेते हैं। नहीं जी, LMS आई थिंक एक ही डिवाइस पे चलेगा, वो अब IT टीम से डिस्कस कर सकते हैं। जी जी, फिजिकली आके दे दें आप, कोई मसला कोई नहीं, लेकिन टाइम आपने उसी पे टाइम पे आना है जिस टाइम पे टेस्ट है। रिकॉर्डिंग वाले टेस्ट ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और फिजिकल भी आ सकते हैं जैसे आप करना चाहते हैं। नहीं अनीत पैक, आपको जो क्लास टेस्ट है दे आर मोर देन इनफ टू कवर योर सिलेबस, आप ज्यादा ना करें। ठीक है जी, टोटल टेस्ट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं लेकिन 7-8 टेस्ट मिनिमम होते हैं। जी इमरान, ठीक है जी, हमने देख लिया इंशाल्लाह, वो तो क्योंकि डेमो लेक्चर थे काफी पुराने और इसलिए वो इस बार क्वालिटी काफी डिफरेंट होगी। ठीक है जी, हाँ जी, बुक्स के बारे में आप पैक्स ऑर्डर कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको बता देंगे। ऑडिट की रिकॉर्डिंग के लिए आप टीम से पूछ सकते हैं, उसमें मैम हुमा भी हैं, सर आसिम भी हैं और सर जमशेद भी हैं। जी कासिम, आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर लें तो आपको बता देंगे। नहीं जी, रिकॉर्डिंग अब्दुल सलाम 1.5 डे के अंदर होगी। ठीक है जी, आप ये अब्दुल्ला कोऑर्डिनेटर से अभी डिस्कस कर लें तो आपको बता देंगे। अबू जैर जी, 4 सब्जेक्ट की बस 4
फोर सब्जेक्ट की जी ये स्ट्रेटजी है, जो कि बाकी सारों की स्ट्रेटजी भी ये है कि आपके पास अगर फोर सब्जेक्ट्स हैं तो आपने जी डे वन से डेली रिवीजन करनी है। फोर सब्जेक्ट और थ्री सब्जेक्ट में ये फर्क है कि ये जो डेली रिवीजन थ्री सब्जेक्ट वाली करेगा, लेट से इसको डेली रिवीजन फोर आवर्स की करनी है, आपको शायद फोर की जगह फाइव आवर्स की करनी है। तो जाहिर बात है आपने जब सब्जेक्ट ज्यादा लिए हैं तो आपको रिवीजन ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप एक एडवांटेज ले रहे हैं कि आप अर्ली क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं वो आप अर्ली क्वालिफाई करके सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन कासिम ये है कि पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी कि थ्री मिनिमम पेपर देने हैं, अब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन साथ ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपने ग्रुप बी का पेपर लेने से पहले ग्रुप ए के दो पेपर जरूर पास किए। एमएस एक्सेल की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, जब इन्फॉर्मेशन आएगी आईकेएप की तरफ से तब हम बताएंगे। ठीक है जी। पैक के किसी भी कैंपस में आप टेस्ट दे दें, गुलबर्ग एंड गार्डनटाउन आइडियली, लेकिन वैसे आप बाकी में भी दे सकते हैं, बस एक बार कोऑर्डिनेटर से कॉन्टेक्ट करें। एंड मंथ में आपको जी पास पेपर्स करने चाहिए और क्वेश्चन करने चाहिए, क्वेश्चन बैंक में एग्जाम लेवल क्वेश्चन और पास पेपर क्वेश्चन। जी जी हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, आप अब्रार कॉन्टेक्ट तो करें ना एडमिशन ऑफिसर से, तो आपको मिल जाएंगे जी। ठीक है जी। हाँ जी, कुछ ये ऑडिट और सीमैक का अनयूजुअल एक कॉम्बिनेशन है, तो आपको एक क्लास की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। चेंजेस जी आपको आपके टीचर बताएंगे। ठीक है अरुबा, बस गोल्ड मेडल की यही स्ट्रेटजी है कि आप साथ साथ रिवाइज करें, टेस्ट सारे दें, मिड टर्म सारे दें, मॉक्स के लिए सीरियसली प्रिपेयर करें, और इंशाल्लाह दैट इज द बेस्ट वे टू ट्राई फॉर। ठीक है जी जी लेंगे। चलें जी, अब इस नहीं उमेर, मैंने आपसे कहा है कि अवेलेबल है, आप कांटेक्ट तो करें ना, आपने मुझसे काफी बार पूछ लिया, आप कांटेक्ट करेंगे एडमिशन ऑफिसर्स को तो आपको जवाब मिलेगा। जी अगर आपने परचेज की अभी रिसेंटली, आप टू वर्किंग डेज दें, टू वर्किंग डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एमएस एक्सेल का अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि वो कितने आवर्स हैं, जब वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, खाली फिजिकली कर दें, ये जो जो हैंड ऑन कोर्सेज हैं अभी उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। एमएस एक्सेल एसएन एमएस एक्सेल रिटन पेपर भी होगा, जब आईकैप अनाउंस करेगा तो क्या होगा उसका पता चलेगा, अभी नहीं पता। क्लासेज जी कल से स्टार्ट है। ठीक है जी। जी नहीं बिल्कुल, लाइव क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट है। ठीक है जी। लेक्चर ड्यूरेशन 1 hour to 1 hour 15 minutes है। रिकॉर्डिंग लेक्चर के टेस्ट मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप दे सकते हैं, आपके होंगे टेस्ट जितना क्लास के होते हैं वैसे इस तरह के भी होते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स विद दैट, जी जी कैंपस में आके अब आप बाकी क्वेश्चन अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ लें। विद दैट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैथ एग्जाम। और पास करने का जी खाली एक रूल है, वो रूल जरा बता दें सारे, बाकी सारे टेस्ट रूल्स। ये जी कोऑर्डिनेटर यहाँ पे मिस हमदा हैं, जिससे मिस फरा हैं, यहाँ पे बता दें 013 हसाम ये एक स्टूडेंट हैं, 01307 वाले कौन से स्टूडेंट थे जो मुझे भी मैसेज कर रहे थे, एक स्टूडेंट तो बस एक रह गया। हाँ जी, ये जो 0137 एंडिंग स्टूडेंट हैं, आप मिस्टर हसाम से कांटेक्ट करेंगे, ये मिस्टर हसाम ने मैसेज किया है। हसाम अपना नंबर फिर से कांटेक्ट में लिख दें और उसके आगे लिख दें हसाम कोऑर्डिनेटर। ठीक है जी। उसामा बुक आपको आपके टीचर बताएंगे। ठीक है जी जी। नहीं उसामा बुक आपको आपकी टीचर बताएंगे, कुछ केसेस में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए होती है जी, जरूरी होती है। हसाम ये हमारे स्टूडेंट हैं CAFM, ये जी 0137 ये अब आए, आप प्लीज इनको कॉन्टेक्ट करें। ठीक है जी। जी कासिम बताएं। नहीं जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल वाली जो लाइव फैसिलिटीज हैं वो नहीं अवेलेबल है, क्योंकि वो ऑनलाइन होते हैं तो हम
उनको ये इतना फिजिबिलिटी फिजिबल नहीं बना सकते कि कितने बच्चों ने आना है। ग्रुप बी का एक पास हो, नहीं मुझे कहते हैं आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपको फीस हो रहा कोऑर्डिनेटर बता देंगे। हर लेक्चर के 1.5 दिन बाद अपलोड होगी। स्टूडेंट कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग फॉर क्वालिफाइंग योर कैफ एग्जाम्स। हम ये कहते हैं कि जो सीए है ना उसमें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तब बनेंगे जब आप ड्यूरिंग स्टडीज कंसिस्टेंट अकाउंटेंट बनते हैं। तो प्लीज आप एक कंसिस्टेंट अकाउंटेंट बने एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पेपर में इस अटेम्प्ट में जी कितनी कितने पेपर पास करने हैं, कितने पेपर पास करने हैं इस अटेम्प्ट में? 2 out of 3, 3 out of 3, 4 out of 4, सारे के सारे पेपर पास करने हैं एंड इट इज डूएबल। इसके लिए खाली कंसिस्टेंसी और day 1 से जो है ना आपने अपनी रूटीन बनानी है। मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे पढ़ना है या 18 घंटे पढ़ना है, रूटीन बनानी है, फिक्स रूटीन। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, रिलैक्स के टाइम पे रिलैक्स, सीजन के टाइम पे सीजन, गेम के टाइम पे गेम, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। इंशाल्लाह इफ यू डू दैट दिस इज वेरी इजी फॉर यू। आप लोग सारे अपने आप को भी कहें, हमें भी कहें, वी कैन डू इट, तो यू कैन डू इट। यू कैन टैकल द रिजल्ट फेयर बाय स्टडीइंग कंसिस्टेंटली एंड डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस खूब करें दानिश, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कर लेंगे जी इंशाल्लाह। कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर, प्रैक्टिस करेंगे। एक क्रिकेट एक मुझे ये बताएं, ये दानिश ने क्वेश्चन पूछा है, दानिश ने ये कहा है कि हाउ टू टैकल अफेयर। अगर एक क्रिकेटर है उसको बाउंसर से डर लगता है लेकिन है वो क्रिकेटर, उसने क्रिकेट में मैदान में जाना है, हाउ कैन ही टैकल द फियर? उसको बाउंसर से डर लगता है। प्रेयर तो जी ठीक है, वो जितनी बाउंसर खेलेगा उसका उतना डर खत्म होगा। आपको जिस चीज से ज्यादा डर लगता है, जिस सब्जेक्ट से, जिस टॉपिक से आप उसके मैक्सिमम बाउंसर खेलें, आप उसको यू विल टैकल इट। मैक्सिमम उसके बाउंसर खेले, मैक्सिमम उसको करें, यू कैन डू इट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जी सी यू इन द क्लास। वी आर हेयर फॉर योर असिस्टेंस एंड वी होप टू विश यू अ गुड कैफ सेशन। अच्छी आपकी पढ़ाई हो, अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो और इंशाल्लाह फिर हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।